बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा था, क्लास 10th आईसीएससी, और ये हमारी एवरग्रीन बुक है। और इसमें चैप्टर नंबर 10 है हमारा एपी एंड जीपी। एपी जीपी में हम एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे, आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, एक्सरसाइज 10.3। और इससे सभी प्रीवियस लेक्चर आपको इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में मिलेंगे, और आपको सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, बोल रहा है फोर्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ अ जीपी आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टली, फाइंड द जीपी। आपको जीपी फाइंड करनी है। देखो, जैसे हमें एपी फाइंड करने के लिए ए और डी चाहिए, ऐसे ही आपको जीपी फाइंड करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए ए और आर, यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। अब देखो गिवन क्या है, फोर्थ टर्म ए फोर गिवन कितना किया है आपको, 1/18, एंड ए सेवन आपको गिवन किया है -1/486। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे इनको, ए फोर क्या होता है जीपी में, ए आर टू दावर 3, एन माइनस वन होता है, डायरेक्ट हमने किया है जीपी। जीपी का अगर आपको कॉन्सेप्ट देखना है तो कॉन्सेप्ट लेक्चर में सेपरेट लेक्चर में रिकॉर्ड किया है, तो आप वहां से देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, मिल जाएगा, और आप उसको आई बटन में भी देख सकते हैं। आई बटन ऊपर की तरफ एक बटन होता है, अगर बच्चे नहीं जानते तो यहाँ पर जो बटन आता है ना कुछ इस तरीके का, उस पर आपको एक लिंक शो हो रहा होगा, वहां से भी आप इसको देख सकते हो, इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर जीपी का। अब देखो ये हो गया हमारा, अब इसको हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर टू अननोन्स है ए एंड आर, आप इसको इधर ऐसे ही रहने दो। सेम हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए आर टू द पावर 6 बोलेंगे, 7 है, अगर ए 7 है तो 7 - 1 = 6 हो जाएगा, -1/486। नाउ अब आप इन दोनों इक्वेशंस को देखो, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, आप इन दोनों इक्वेशन को कर दो डिवाइड। डिवाइड करने से होगा क्या, डिवाइड करने से देखो ए कैंसिल हो जाएगा, ऐसा ही करते हैं हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करते इक्वेशंस को, ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, इक्वेशन टू वेरिएबल में ही रहेगी, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जिससे कि हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। जैसे हमने यहाँ ए से ए कैंसिल किया, अब देखो ये बेस सेम है, तो ये आर टू दी पावर कितनी हो जाएगी, 3, बेस सेम पावर माइनस हो जाएगी, तो 3 माइनस कर देंगे 6 पावर में से ऊपर लाकर, तो ये कितना हो जाएगा आर टू दी पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 यहाँ पर और 18 सबसे ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 18/486। क्या 18 इसको डिवाइड कर रहा है, देखो 18 2 = 36 होते हैं और 18 3 = 54 होते हैं, तो 18 2 = 36 कर सकते हो आप, फिर मिलेगा क्या आपको, फिर यहाँ पर 36 4 और 8 12 126 और 18 7 126 भी होते हैं, तो इसका मीन्स r टू दी पावर 3 क्या मिलेगा आपको, -1/27। अब इस माइनस साइन को इग्नोर मत करना, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि माइनस साइन को लेते ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, अगर आपने ऐसे किया तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। देखो अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं -1/3 to the power 3। 27 किसका क्यूब रूट है, 27 है 3 का क्यूब रूट, लेकिन माइनस साइन है तो आप माइनस साइन लोगे, और आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का 1/27 मिलेगा, क्योंकि -1 का क्यूब -1 और 3 का क्यूब 27। ओके, इसलिए हमने माइनस साइन भी लिया है इसमें। और अब इसमें हम बेस कंपेयर कर लेंगे, पावर सेम है दोनों की, पावर 3 और पावर 3, तो बेस क्या होगा इक्वल, और बेस कितना हो जाएगा -1/3। समझ रहे हो आप, आर की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, -1/3, तो ये हो जाएगी आर की वैल्यू। ओके, तो ये हो गया हमारा आर, आर मिल गया। अब आपको ए भी फाइंड करना है क्योंकि आपको जीपी चाहिए, तो जीपी के लिए ए और आर कंपलसरी है हमारे पास होना। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कर सकते हैं, या सेकंड से भी आप कर सकते हो, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास जो वैल्यूज है वो काफी छोटी है, जिसको हम इजिली सोल्व कर सकते हैं। ए आर क्या आ रहा है हमारा, आर आया -1/3 और पावर 3 इक्वल्स टू में कितना, 1/18। ओके, यहाँ पर ये a -1/3 को सोल्व करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा -1/27 इक्वल्स टू में कितना, 1/18 ना, a इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये 27 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 1 इधर लेके आ जाएंगे, तो ये -1 नीचे आएगा। देखो कुछ बच्चे सोचते हैं कि माइनस साइन अगर नीचे है तो उसको नीचे ही रखना है, इसका मीनिंग है कि 8 माइनस का ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, नहीं, अगर किसी भी फ्रैक्शन में माइनस साइन है ना, उसका मीनिंग ये है कि भाई वो कंप्लीट जो हमारी वैल्यू है वो माइनस में है, ये माइनस का 27/8 है। देखो या तो कोई भी वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी, ए की
वैल्यू, ऐसे नहीं कि आधी नेगेटिव आधी पॉजिटिव, समझ रहे हो आप। तो ये माइनस साइन अगर हम नीचे लेके आए ना -1, तो आप इसको यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस में 27/8। क्या ये सिंप्लीफाई भी हो रहा है? सिंप्लीफाई 8 नहीं है, 18 है। ओके 18 सिंप्लीफाई हो रहा है, देखो आप सिंप्लीफाई हो रहा है 3 से या 9 से, 9 से कर लो आप, 9 3 से 9 2 से, 9 से भी हो रहा है ना। तो आप ए की वैल्यू को बोल सकते हो कि ये क्या आ गई हमारी -3/2। ए मिल गया, आर मिल गया, जीपी कैसे फाइंड करेंगे भाई? जीपी फाइंड करने के लिए सिंपल, जीपी क्या होगी हमारी, फर्स्ट टर्म है -3/2, सेकंड टर्म क्या होगा, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 1/2। देखो जैसे हम एपी फॉर्म करते हैं डी को प्लस करके, ऐसे आर को मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, जीपी फॉर्म करते हैं। एपी में डी प्लस किया जाता है, जीपी में आर मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 को 1 में करेंगे तो 3 आएगा, देखो माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, 3 2 कितना होगा 6, तो ये होगी हमारी वैल्यू 1/2। सिंप्लीफाई कर लेंगे, या तो आप 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल कर सकते थे, माइनस माइनस प्लस हो जाता, कितना होगा 1/2। अब इससे नेक्स्ट टर्म के लिए आप क्या करोगे, अब इसमें आप फिर अगेन मल्टीप्लाई कर दो -1/3 की, या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि भाई a1 = a ही होगा हमारा, a2 = ar^1 होगा, a3 के लिए आप क्या कर सकते हो ar^3 एंड ar^2 एंड सो ऑन, इस टाइप से कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। इसको देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ऊपर माइनस वन आएगा क्योंकि 1 और -1 -1 3 2 6, तो होगा हमारा -1/6 एंड ये सो ऑन, ये वैल्यू चलेगी और ये हमारी क्या हो जाएगी, जीपी, समझ गए। बस ये करना था इसमें हमें, और जीपी के लिए आप क्या करो, बस स्टार्टिंग के 3 टर्म्स या 4 टर्म्स दिखा दो, इनफ है। ओके तो यही हमें शो करना था यहाँ पर कि जीपी कितना होगा, जीपी हमारी कितनी हो जाएगी, जीपी हो जाएगी ये -3/2, 1/2, -1/6 एंड सो ऑन। ओके ये क्वेश्चन हो गया हमारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो इन क्वेश्चन को करने में काफी टाइम लग रहा है, तो इन क्वेश्चन को आप करने के बाद ऐसे मत छोड़ना, छोटी सी आपके लिए रिक्वेस्ट है, बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी फॉलो कर लो आप, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितना कह सकते हो परफेक्ट हो गए, ठीक है, कितना ज्यादा आप ब्रिलियंट हो गए हो मैथ्स में, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपको करना क्या है कि ये क्वेश्चन देखे आपने, फिर इनको प्रैक्टिस में अपने आप से खुद से जरूर करके देखना है, बस इसको इस चीज को फॉलो कर लो आप, तो बस आपका बहुत ही अच्छा स्कोर जाएगा एग्जाम में, इस चीज को फॉलो कर लो बस आप, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप ये एवरग्रीन वाली बुक कर लो और सेलिना वाली जो बुक है उसके क्वेश्चंस लगा लो, तो फिर बाद में देखो इस वाली बुक में पीवाई के क्वेश्चंस भी हैं, अच्छे खासे एमसीक्यूज भी हैं, तो आप इनको ही कर लोगे ना, सफिशियंट है। आप सोचते हैं कि भाई एक्स्ट्रा बुक वगैरह, तो एक्स्ट्रा बुक तब करनी चाहिए जब आप अपनी जो नोटबुक है ना इसमें पर सॉरी अपनी जो टेक्स्ट बुक है आपकी, जो जैसे ये हमारी एवरग्रीन बुक है या फिर सेलिना बुक है, इसमें अगर आप परफेक्ट हो ना तब आपको एक्स्ट्रा बुक करनी चाहिए, वरना नहीं करनी चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू तो यही कहता है कि भाई आपको सबसे पहले अपनी बुक अच्छे से आनी चाहिए आपको हर एक क्वेश्चन, तो आपको बस ये एवरग्रीन बुक और सेलिना बुक भी जरूर करनी है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि सेलिना बुक के जो क्वेश्चन है ना वो काफी बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक है, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं लेकिन काफी टफ क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये इतने टफ क्वेश्चन है कि कह सकते हो कि कभी कभी ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो रेयरली ही देखने को मिलते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आप कर भी सकते हो 10.3 के जो इस लास्ट के क्वेश्चन है, और नहीं भी। देखो फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी, अब देखो ये जो थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड निकालते हैं, इसका फॉर्मूला भी जो फॉर्मूला है वो भी हमने अपनी जो फॉर्मूला बुक है, जो हमारी फॉर्मूला बुक है उसमें मेंशन किया है, तो उसमें सभी फॉर्मूलाज हमने मेंशन किए हैं, जीपी से रिलेटेड, एपी से रिलेटेड, सभी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप उस फॉर्मूला बुक को परचेज कर सकते हो ओनली 30 रुपीज में। हम फ्री क्यों नहीं दे रहे हैं, देखो तो फ्री की चीज की कोई अहमियत नहीं होती है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, आपको फ्री में अगर दे दिया जाए तो आप उसे रख लोगे लेकिन कभी उसका यूज नहीं कर पाओगे। 30 रुपीज इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, इसीलिए अगर आपको वो चाहिए, ठीक है, आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी कब, जब आप उसको परचेज करोगे और उसको अच्छे से पढ़कर देखोगे, ठीक है। सभी को अगर वो फ्री में बांट दी जाए तो उसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हमने उसे अच्छे से मेहनत करके बनाया है, ऐसा नहीं है किसी और से बनवाया, उसके हर एक चीज हमारे से, मतलब हमने खुद से उसको अच्छे से देख कर ऑब्जर्व करके हर एक पॉइंट उसमें डाला है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इसीलिए हम उसको फ्री में बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर आपको चाहिए तो 30 रुपीज है बस ओनली उसका, और वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, जब आप उसको देखोगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है वो, और काफी इफेक्टिव है। ओके तो
अब इसमें देखो आप ये वाला क्वेश्चन कि इसमें क्या है थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी, ठीक है, जीपी के एंड से थर्ड टर्म। और अगर किसी बच्चों को लग रहा है कि भाई वो फॉर्मूला जो बुक है हम पे क्यों कर रहे हैं, मतलब अदर चैनल्स पर फ्री में मिलते हैं ये सभी चीजें, तो हमारे फ्री मटेरियल भी है, हमारे पास फ्री मटेरियल भी है जो काफी हेल्पफुल है आपके लिए। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड काफी फ्री मटेरियल प्रोवाइडेड है, अवेलेबल है, जो आपको काफी हेल्प कर सकता है, तो आप उस मटेरियल को करिए और हेल्प लीजिए। ठीक, फॉर्मूला बुक इतना ज्यादा कंपलसरी नहीं है कि भी आपको परचेज ही करनी है या फिर उसी से ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अच्छा स्कोर आप अपनी मेहनत से करोगे, कोई फॉर्मूला बुक कोई भी ये चीजें आपको कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप खुद से मेहनत नहीं कर रहे हो। अगर आपने फॉर्मूला बुक भी परचेज कर लिया और आपने उसका यूज ही नहीं किया तो क्या फायदा भी फॉर्मूला बुक वगैरह में। तो मटेरियल तब हेल्पफुल होगा जब आप उस पर वर्क करोगे, जब आप उसको टाइम दोगे। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के लिए, तो आप जितना ज्यादा टाइम दोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही परफेक्ट बनोगे। तो आपको किसी फिर फॉर्मूला बुक की जरूरत नहीं है, तो इसलिए कंपलसरी नहीं है कि भी आपको फॉर्मूला बुक परचेज करना है, फॉर्मूला बुक से ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अपनी मेहनत से, तो अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। किसी पर भी, किसी भी बातों पर ये कर लो वो कर लो ये आपको कुछ भी नहीं है, बस अपनी मेहनत करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अपनी नोटबुक को प्रिपेयर करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो आप क्या करना है, 2/27, 2/9, 2/3 एंड सो ऑन, 1/162। अब इसमें क्या करना है, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड करना है। देखो थर्ड टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला क्या बताया था हमने आपको, एंथ टर्म फ्रॉम एंड ये होता है हमारा एल ए टू दी पावर आर माइनस आर टू दी पावर ए टू दी पावर आर टू दी पावर होता है ना, आर टू दी पावर एन माइनस वन, ये इसका फॉर्मूला सिंपल सा। यूज कैसे करेंगे, एल क्या है लास्ट टर्म, ये रहा लास्ट टर्म 162, आर आर फाइंड करो इसमें कितना होगा। देखो आर कैसे कैसे फाइंड करते हैं हम, ए टू, ए टू ये हमारा और ए वन क्या है, ये दोनों को डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा देखो, ये टू यहाँ पर जाएगा और 27 ऊपर, कितना मिलेगा 2 × 27 और 9 × 2 कैंसिल कर दो, 9 × 3 = 27, आर की वैल्यू क्या मिलेगी 3। ओके, आर की वैल्यू 3 और 3 to the power कितना कर लेंगे हम, अगर हमें थर्ड टर्म फाइंड करना तो यहाँ पर 3 − 1 मीन्स 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये 162। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 to the power 2 कितना होता है 9, 3 − 1 करेंगे 2 और 3 to the power 2 9, 9 से इसको कैंसिल कर लो कितना आंसर आ रहा है, 9 × 9 7, इधर 9 × 8 = 72, 18 आंसर आ रहा है। ओके, तो इसका क्या होगा हमारा, 18 आंसर होगा सिंपल। तो ये होगा हमारा थर्ड टर्म फ्रॉम एंड। अब आप सेकंड वाला क्वेश्चन देखो इसका कि फाइंड द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स। अब ये जो नंबर्स गिवन किए हैं इसमें भी आपको सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इस नंबर को देखो, क्या ये जीपी फॉर्म कर रहे हैं या एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो देखो आप एपी फॉर्म कर रहे होंगे तो इनका कॉमन रेशियो सेम आ रहा होगा, तो कॉमन रेशियो ही सेम आ रहा है, तो फिर ये जीपी फॉर्म कर रहे हैं। तो जीपी में हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में किया सिंपल। देखो ये 3 है हमारे पास, देखो आर, देखो इसका आर कितना आ रहा है, अगर हमने फाइंड कर रहे हैं −3/−6/3 से तो कितना आ रहा है −2, और अगर हम फाइंड कर रहे हैं 12/−6 से तो कितना आ रहा है −2, एंड अगर हम फाइंड कर रहे हैं −24/12 से तो कितना आ रहा है −2, ये आ रहा है आर की वैल्यू। एंड सेवेंथ टर्म ऑफ फॉर्म लास्ट अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू कितना, एल डिवाइडेड बाय आर टू दी पावर एन माइनस वन फॉर्मूला यूज करेंगे। एल की वैल्यू क्या है 3072 डिवाइडेड बाय क्या है आर, आर की वैल्यू है −2, माइनस भी लेंगे और पावर कितनी लेंगे 7 − 1 कितनी हो जाएगी 6, तो ये आ रहा है 3072 डिवाइडेड बाय कितना, ये आ रहा है माइनस में। अब देखो पावर कितनी हो जाएगी −2 to the power 6, और पावर अगर इवन है तो ये वैल्यू प्लस में आएगी हमारी, और 2 to the power 6 होता कितना है, देखो 2 to the power 6 होता है हमारा 64 होता है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, जैसे आप देख लो कि 8 से कैंसिल हो रहा है या नहीं, 8 से 24 6 और 64 और 3, यस कैंसिल हो रहा था, 8 से कैंसिल कर लो क्योंकि 8 का टेबल हम इजीली कर सकते हैं। 8 से 24 6 कैरी बचेगा, 8 8 से 64 फिर 3 कैरी बचेगा, 8 4 से 32 और ये 8 8 से 64, अगेन 8 से कैंसिल करके देखो आप, अगेन 8 से करेंगे तो कितना आएगा 8 4 से 30 8, और जब 8 6 जो कितने होते हैं 48, 8 5 जो 40 होते हैं, 8 4 जो लेंगे हम इसमें 8 4 जो 32, फिर यहाँ पर 6 8 8 64 कितना आ रहा है 48, सिंपल ये कितना हो गया हमारा 48 हो गया।
तो ये करना था, तो सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन काफी टफ क्वेश्चन जो है ना, उस टाइप के क्वेश्चन कम ही देखने को मिलेंगे आपको, और वो हम आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर मेंशन करते हुए चलेंगे। ओके, जैसे हम देखते हैं 13 वाला, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द जीपी, इस जीपी के नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, हुज फर्स्ट टर्म इज 3/4, उसका फर्स्ट टर्म 3/4 है, कॉमन रेशियो कितना है 2, एंड द लास्ट टर्म 384 है। अब हमारे पास कोई भी जीपी है और उसका लास्ट टर्म आपको गिवन किया है, और आपको उसके क्या करने, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने की, उसमें कितने टर्म्स हैं। यहाँ पर A1 से शुरू हुई है हमारी, और फर्स्ट टर्म है कितना, देखो फर्स्ट टर्म भी गिवन किया है इसने कितना 3/4, ऐसे सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, ओके सेकंड थर्ड एंड सो ऑन, लेकिन ये लास्ट टर्म है। अब अगर हमें इसमें बताना है कि भी कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये लास्ट टर्म है ना, इसकी एन की वैल्यू फाइंड कर लो सिंपल, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसमें, कि अगर ये 20th नंबर पर आ रहा है तो भी 20 टर्म्स होंगे, अगर ये 50th पर आ रहा है तो 50 टर्म्स होंगे। तो सिंपली बस आप देखो कि भी ए की वैल्यू गिवन की है 3/4, आर की वैल्यू भी गिवन की है 2, देन आपको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एन, तो यहाँ पर एंथ टर्म ले लेंगे या फिर लास्ट टर्म। देखो एंथ टर्म और लास्ट टर्म दोनों का ही फॉर्मूला सेम होता है, एंथ टर्म लास्ट टर्म ए टी एन टर्म, ठीक है, एंथ टर्म को ही टी एन टर्म भी बोल देते हैं हम, ए एन और एल सेम ही फॉर्मूला रखते हैं, सभी का सेम फॉर्मूला होगा, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होगा इन सभी का। तो देखो एवरग्रीन बुक में ए एन को टी एन से भी रिप्रेजेंट किया गया, तो अगर टी एन भी बोलता है ना, उसका मीन्स क्या है, एंथ टर्म ही है। आपको अगर लास्ट टर्म गिवन किया है कितना 384, लास्ट टर्म 384 गिवन किया है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन इक्वल टू में 384। आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी, देखो एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए किस टाइप से कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों पर कैलकुलेशन ही नहीं होती, कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं कैलकुलेशन में। जैसे अब इसे आपको सिंप्लीफाई करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी, कैसे करेंगे, तो अगर पावर में एन, ये इस टाइप से पावर में वैल्यू बन रही है, तो यहाँ पर हम कंपेयर ही करते हैं वैल्यू को, डायरेक्ट वैल्यू फाइंड नहीं होती, तो हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, ये जो एन वाली वैल्यू इसको इधर रहने देंगे, और ये जो फोर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, और डिवाइड में आएगा 3, तो ये 4 * में 384 और डिवाइड बाय कितना आएगा हमारा 3, 3 से कैंसिल करके देखो, ये 3 से कैंसिल हो रहा है नहीं, यस 3 * 1 = 3, 3 * 2 = 6 एंड 2 * 3 = 24, ये होगा। ओके अब आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई मत करो इसे, क्यों, क्योंकि फिर भी आपको 2 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर हमें इससे एन की वैल्यू चाहिए, तो 2 की पावर में है ये एन माइनस वन, तो यहाँ पर भी 2 की पावर में कन्वर्ट करो, देखो 4 को 2 की पावर 2 बोल सकते हैं, अभी 128 है, इसको 2 की पावर कितना बोल सकते हैं, ये होता है 2 to the power 7, 2 to the power 6, अभी हमारा 64 आ रहा था, 2 to the power 7 करोगे ना 128 आएगा, 64 64 128 होता है। तो यहाँ पर हमारी 2 to the power कितनी मिल रही है, एन माइनस वन, और यहाँ पर मिल रहा है 2 to the power 9, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो बेस सेम हो गए, और अगर बेस सेम हो गए तो पावर क्या होगी, इक्वल एन माइनस वन किसके इक्वल होगा 9 के, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वन इधर आ जाएगा, प्लस वन ये जाएगा, एन इज इक्वल्स टू 10, ओके एन इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा सिंपल। तो यहाँ पर ये करना था हमें, सिंप्लीफाई हो गया हमारा, और एन की वैल्यू कितनी आ गई 10, ये हो गया 13th क्वेश्चन। तो आप एन की वैल्यू इसमें 10 आ गई है, तो इसमें 13th क्वेश्चन हो गया। इसमें आप देखो कि कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्या है यहाँ पर, कैलकुलेशन, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो समझ में आएगा लेकिन कैलकुलेशन नहीं होगी आपसे, और आप कंफ्यूज हो जाओगे क्वेश्चन में, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको इसीलिए ही करा रहे हैं, और हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करा रहे हैं हम आपको, तो हम पागल तो है नहीं भी, हर एक क्वेश्चन कराए आपको, ऐसे भी तो कर सकते हैं, 4 क्वेश्चन कराए और स्कूल की तरह बोल दिया कि भाई सारे क्वेश्चन आपको खुद से कर लेने, ऐसे ही ऐसे सेम है सब क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन में आप फंसोगे, उन कैलकुलेशन को किस टाइप से सोल्व करना है ना, वही आपको बताया जा रहा है। तो हर क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन सिखा रहा है, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को देखना है कि किस टाइप से हम इसको कर रहे हैं सिंप्लीफाई, क्योंकि कभी कभी बच्चे कर लेते हैं क्वेश्चन लेकिन काफी टफ कैलकुलेशन करते हैं, काफी टाइम लग जाता है हमें, तो हमें टाइम भी तो सेव करना है, तो आपको वो मेथड यूज करना है जिसमें टाइम भी आपको कम लगे, टाइम कंजप्शन रिड्यूस करनी है हमें। तो यहाँ पर कह रहा है सम ऑफ द 3 नंबर्स इन जीपी, अब देखो जीपी में 3 नंबर्स हमने बताया था कैसे सेलेक्ट करते हैं, अगर ये ए है तो इसको ए आर एक नेक्स्ट टर्म लेते हैं, और ए अपॉन आर एक प्रीवियस टर्म लेते हैं, इस टाइप से 3 टर्म सेलेक्ट करते हैं, इससे होता क्या है, इससे क्वेश्चन काफी ईजी रहता है। जैसे ये बोल रहा है कि सम ऑफ द 3 टर्म्स, अगर हम इन सभी का सम करें, इन सभी का सम करें तो कितना मिलेगा 13/12, एंड ऑल्सो कह रहा है कि देयर प्रोडक्ट, और अगर इनका प्रोडक्ट करें, मीन्स ए अपॉन आर ए एंड ए आर इनका प्रोडक्ट करें हम, आपको क्या मिलेगा -1, ओके -1 मिलेगा,
देन आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हो कैसे, आर से आर कैंसिल, यहाँ पर ए क्यूब इक्वल्स टू माइनस वन, समझ गया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कंपेयर करो, कैसे कंपेयर करोगे, देखो ये ए टू दी पावर थ्री है, आप इसे माइनस वन टू दी पावर थ्री भी तो बोल सकते हो, माइनस वन टू दी पावर थ्री कितना आएगा, माइनस वन ही आएगा क्योंकि पावर फोर है हमारी। तो यहाँ पर अगर हम पावर सेम ले रहे हैं तो बेस क्या होगा, इक्वल होगा, तो यहाँ पर बेस क्या होगा, यहाँ पर बेस ए और यहाँ पर बेस क्या है माइनस वन, तो इसका मीन्स ए की वैल्यू माइनस वन होगी, प्लस वन मत ले लेना, समझ गए। ए की वैल्यू तो आ गई हमारी माइनस वन, अब आर की वैल्यू कैसे फाइंड करें, आर की वैल्यू होगी यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे फाइंड, इसको फर्स्ट उसको सेकंड बोल सकते हो आप, इसको सिंपलीफाई करो देखो आएगा क्या। अगर हम इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो वन, यहाँ पर भी वन, एल से मारा है आर, तो यहाँ पर ये ए रहेगा, प्लस यहाँ पर ये ए आर हो जाएगा क्योंकि आर की मल्टीप्लाई, और यहाँ पर ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना 13/12। अब आपको क्या करना चाहिए, ए की वैल्यू पुट कर लो, आर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो कैंसिल नहीं हो रहा, तो 12 को लेके आओ उधर और आर को इधर मल्टीप्लाई कर लो, ए ए आर एंड ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू में 13/12। ओके पुट कर लेते हैं हम, ए इज इक्वल्स टू कितना माइनस वन, ए इज इक्वल्स टू माइनस वन पुट करते हैं, तो यहाँ पर 12, ए की वैल्यू माइनस वन, प्लस यहाँ पर भी माइनस वन पुट करेंगे इंटू में आर, प्लस यहाँ पर भी माइनस वन पुट कर देंगे इंटू में आर टू द पावर टू, समझ रहे हो आप, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू में 13 आर। अब यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी कैसे, यहाँ पर 12, यहाँ पर ये माइनस वन, ये माइनस आर एंड ये माइनस आर स्क्वायर, आर में हमारी क्या हो रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पर ये आर हो गया, 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस में 12, ये माइनस में 12 आर एंड ये माइनस में 12 आर स्क्वायर इक्वल्स टू में 13 आर। ओके नाउ आर स्क्वायर है आर एंड ये कॉन्स्टेंट, हम इन सभी को उधर लेके आ जाते हैं क्योंकि ये आर स्क्वायर वाली वैल्यू नेगेटिव ही पॉजिटिव हो जाएगी गर्मी से आर एच एस में लेके आ रही है, आर वाली वैल्यू भी आर एच एस में लेके आ जाते हैं, ये प्लस 12 आर होगा और ये प्लस का 13 आर, ये ऑलरेडी है लेकिन बचा सिर्फ हमारे पास क्या माइनस 12, तो ये प्लस 12 हो जाएगा। अब आप इसको कर लो सोल्व, अब आप कर लो इसको सोल्व, यहाँ पर ये 0 करेंगे इसको सिंप्लीफाई तो कितना आएगा 12 आर स्क्वायर प्लस 12 प्लस 13 कितना होगा, ये हो जाएगा 25 आर प्लस 12। ओके ये हो गया ना, कर लो इसको सोल्व, अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 12 प्लस 25, 12 इंटू 12 144 के फैक्टर प्लस करने पर 25 आए, देखो इतने सारे फैक्टर कर लेते हैं हम तो ये रट जाती है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी सिंपली 16+9 आएगी इसकी वैल्यू, 16+9 आप करोगे 25 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 144 भी आ रहा है। देखो ये फैक्टर पहले से दिमाग में छपे हुए हैं क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं काफी टाइम और देखते पता चल गया 16+9 या 144 भी होते हैं, 16+9 25 तो होते ही, तो इसलिए कुछ फैक्टर आपको अच्छे से रट भी जाएंगे और रटने भी चाहिए, कुछ वैल्यू आपको इस तरीके से रट जानी चाहिए कि आप देखते ही क्वेश्चन कर दो तभी आप 100 out of 100 स्कोर कर सकते हो। देखो 100 out of 100 स्कोर करने के लिए काफी एफर्ट लगते हैं कि भाई स्कूल से मार्क्स तो आपको मिल गए लेकिन जो आप 80 मार्क्स का पेपर दोगे उसमें कैसे स्कोर करोगे, उसके स्कोर करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन भी होने चाहिए, आपको ऐसे हैबिट भी होनी चाहिए कि आधे क्वेश्चन आर कैलकुलेशन ठीक है आपको पहले से आती हो। अब जैसे यहाँ पर अभी हमने फैक्टर किए, जैसे आप इन दोनों में कॉमन लेंगे हम कितना आएगा, 4 कॉमन आ रहा है एंड आर कॉमन लेंगे 4 3 12 आर, और ये सभी तभी पॉसिबल है कैलकुलेशन जब आपने प्रैक्टिस किया क्वेश्चंस की काफ़ी ज़्यादा। 9 and 12 इन दोनों में कॉमन लेंगे 3, ये जाएगा 3 आर प्लस 4, दोनों सेम फैक्टर मिल गए 3 आर प्लस 4 एंड 3 आर प्लस 4 ये मिल गया एंड आपको मिलेगा 4 आर प्लस 3। ओके आपको आर की टू वैल्यूज मिल रही हैं, कैसे, एक वैल्यू मिलेगी 3 आर प्लस 4 इक्वल्स टू 0 पुट करने पर और एक वैल्यू मिलेगी 4 आर प्लस 3 इक्वल्स टू 0 पुट करने पर, यहाँ से आर की वैल्यू मिलेगी -4/3 एंड यहाँ से आर की वैल्यू मिलेगी आपको -3/4। ओके ये टू वैल्यूज हो गई आर की और ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारी -1, ए की वैल्यू आ रही है -1, ए की वैल्यू इसके लिए भी -1 होगी, ए की वैल्यू इसके लिए भी -1 होगी, लेकिन यहाँ पर आर डिफरेंट है आपको जीपी भी टू फॉर्म होंगी, कैसे जीपी टू फॉर्म होंगी, तो अगर हम इस वाले इन दोनों वैल्यूज के लिए जीपी फाइंड करें तो कितनी होगी जीपी,
तो देखो आप कितनी होगी जीपी। तो फर्स्ट टर्म है हमारा ए अपॉन आर, फिर है ए और फिर है ए आर। तो आप ऐसे फाइंड करोगे, अब वैसे फाइंड मत करना इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं वैसे इस टाइप से। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास ये, तो फर्स्ट टर्म के लिए आप ए की वैल्यू रखोगे माइनस वन। देखो यहाँ इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ए की वैल्यू माइनस वन और डिवाइड में फोर अपॉन माइनस में फोर अपॉन थ्री, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, लेकिन थ्री बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आएगा इसका थ्री बाय फोर। फिर नेक्स्ट टर्म ए है और ए है हमारा माइनस वन। फिर नेक्स्ट टर्म ए आर है, तो इसमें वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे जीपी, ये हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है जीपी, इन दोनों वैल्यू से क्या हो सकती है जीपी, इसको सोल्व कर लो आप। तो फर्स्ट टर्म हमारा ए अपॉन आर है, ए अपॉन आर के लिए अब क्या करोगे, देखो ए की वैल्यू कितनी है, ए है नाइन नहीं है, ए है, ए की वैल्यू क्या है माइनस वन, आर की वैल्यू माइनस थ्री बाय फोर, माइनस से माइनस कैंसिल, फोर ऊपर आ जाएगा तो ये जाएगा फोर अपॉन थ्री। तो यहाँ पर क्या होगा फोर अपॉन थ्री फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या होगा इसमें, ये फोर अपॉन थ्री होगा। नेक्स्ट टर्म के लिए आप क्या करोगे, ए, ए की वैल्यू क्या है माइनस वन, एंड नेक्स्ट टर्म के लिए आप वन की मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे प्लस का थ्री बाय फोर। और आपने देखा होगा जब कभी भी टू एपीज बन रही होगी होती है इस वाली फॉर्म में, तो बस आपके ये जो ऑर्डर है ना ये रिवर्स हो जाता है, कि अगर ये फर्स्ट टाइम है तो लास्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ओके, तो बस ये इसमें जीपी ये हो सकती है। तो इसके दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे, कि जीपी थ्री बाय फोर माइनस वन फोर बाय थ्री हो सकती है, फोर बाय थ्री माइनस वन, या फिर थ्री बाय फोर हो सकती है। बस ये करना था इसमें, क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 14। ओके, तो कभी भी आप क्वेश्चन करें तो पूरे पेशेंस के साथ करना, और माइंड को सिर्फ क्वेश्चंस पर ही फोकस रखना। अगर आप कुछ सोचते हुए क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो भाई बहुत ज्यादा चांसेस है, 90% या 99% चांसेस है आप उसमें मिस्टेक करोगे और आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। इसलिए फोकस आपको क्वेश्चन पर रखना है क्वेश्चन करते टाइम। कभी कभी हमारा माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो हम भी मिस्टेक कर देते हैं इसी वजह से, कि हम कहीं और सोचने लग जाते हैं, कुछ और चीजें पर हमारा ध्यान चला जाता है और हम मिस्टेक कर देते हैं। तो इसलिए फोकस कंसेंट्रेशन बनाए रखनी है आपको, फोकस रखना है क्वेश्चन पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, थ्री नंबर्स whose sum is 21, इस बार भी थ्री नंबर्स हैं, आर इन एपी, लेकिन इस बार एपी है जीपी नहीं है। इफ 2 टू 14 आर एडेड टू देम, अगर इनमें ऐड कर दिया जाए 2 टू 14, द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन जीपी, तो रिजल्टिंग नंबर्स जो होंगे ना वो जीपी बना देते हैं। तो फाइंड द नंबर्स, तो आपको वो नंबर्स बताने क्या होंगे। तो हम ऐड करते हैं कि थ्री नंबर्स क्या है, एपी अगर, और एपी में आपको थ्री नंबर्स लेने हैं, तो ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, और इसने हिंट भी दिया है। देखो तो ये हमने एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है, जब स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन करा रहे थे तो इसने एक्सप्लेन भी किया है कि भाई किस टाइप से हम टर्म्स लेट करते हैं। तो ये हो गया हमारा ए माइनस डी, ए एन ए प्लस डी। ऐसा क्यों करते हैं हम लेट, ये सभी रीजन हमने बताया अपने कॉन्सेप्ट लेक्चर में, तो आप इसके स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट लेक्चर देखिए, आपको वहां से चीजें सभी क्लियर हो जाएंगी। अब देखो थ्री नंबर्स whose sum is 21, आपको इन सभी का सम कितना गिवन किया है 21, तो अगर हम इनका सम करते हैं तो आपको मिलता क्या है, तो हमें ए की वैल्यू मिल जाती है, क्यों, क्योंकि डी क्या हो जाएगा कैंसिल, डी क्या होगा यहाँ पर कैंसिल, अगर हम इन सभी का सम कर रहे हैं 21, डी से डी कैंसिल, ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू में कितना 21, ए की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, डी से डिवाइड कर दोगे 3 7 25, समझ रहे हो आप ए की वैल्यू कितनी आ रही है 21, ए की वैल्यू 21 मिल गई। लेकिन इसने आगे बोला कि अगर 2 2 एंड 14 ऐड कर दें इनमें रेस्पेक्टिवली, देन ये जीपी फॉर्म करता है, मीन्स ये बोल रहा है कि अगर फर्स्ट टर्म हमारा गया ए माइनस डी, ओके, आप ए की वैल्यू पुट भी कर सकते हो इसमें, अगर आपको ए मिल गया तो ए की वैल्यू पुट भी कर सकते हो, ये फर्स्ट टर्म, इसमें 2 ऐड कर दो, ये सेकंड टर्म है इसमें 2 ऐड कर दो, एंड ये थर्ड टर्म है, और इसमें क्या कर दो 14 ऐड कर दो। ये बोल रहा है कि अगर इनमें ऐसा करते हैं हम तो जीपी फॉर्म कर देते हैं। अब ये जीपी के टर्म्स हो गए हैं। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है, नंबर्स फाइंड करने हैं, मीन्स आपको डी और चाहिए। इससे कुछ हिंट मिल रहा है कि आप डी फाइंड कर सके, हिंट तो मिल रहा है, देखो कैसे, कि अब आप जीपी के अकॉर्डिंग इनका रेशियो इक्वल रख सकते हो। पहले आप 7 रख लो, देखो ए के प्लेस पर 7 माइनस डी सिंप्लीफाई हो जाएगा ही, प्लस 2, ए के प्लेस पर 7 प्लस 2, ए के प्लेस पर 7 प्लस डी और प्लस 14, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 9 माइनस डी, ये हो जाएगा ए के प्लस पे 7 रखा हमने तो ये 9 होगा, और ये 7 और 14 21 होगा, डी प्लस 21 बोल सकते हैं। अब ये थ्री टर्म्स जीपी में है तो इनका कॉमन रेशियो सेम होगा, तो आप ये अप्लाई करके या तो जियोमेट्रिकल मीन वाला कॉन्सेप्ट ले लो, कि जो बीच वाली वैल्यू है इसका स्क्वायर
या फिर इसका जो प्रोडक्ट, इसकी जो वैल्यू इन दोनों के प्रोडक्ट का रूट होगी, या फिर सिंपल आर का कॉम्बिनेशन लेंगे अगर हम, ए टू अपॉन ए वन आर निकालते हैं ऐसे हम, किसके इक्वल होगा ए थ्री अपॉन ए टू के। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, ए टू अपॉन ए वन किसके इक्वल ले रहे हैं, ए थ्री अपॉन ए टू। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये भी आर की वैल्यू और ये भी आर की वैल्यू है, टू कॉन्जिकेटिव टर्म्स का रेशियो। यहाँ पर क्या करेंगे, डी प्लस 21 डिवाइड बाय 9। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 81 इक्वल्स टू में, यहाँ पर ये 9 माइनस डी एंड यहाँ पर ये डी प्लस 21। ओके अब आप कर लो इसे सोल्व। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, क्यों, ये मल्टीप्लाई में आ रहा है डी और डी। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9d, फिर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 21 में, तो कितना आएगा 9 और 9 2 18, ये होगा 189। फिर माइनस डी की मल्टीप्लाई डी में करेंगे तो ये होगा माइनस डी स्क्वायर एंड ये माइनस और प्लस कितना होगा, माइनस में 21d। ओके ये होगा नाउ डी स्क्वायर, देखो इधर नेगेटिव है, इसको राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, प्लस हो जाएगा, ये डी और ये भी डी, ये दोनों प्लस माइनस क्या होंगे हमारे, इन दोनों को सोल्व करोगे आप तो माइनस हो जाएंगे हमारे, तो ये कितना होगा 12 बचेगा। ओके तो 12 हमारा बचेगा इसमें, 12d वो भी माइनस का अगर हम इधर रहने देते हैं, और इसको राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो प्लस का 12d हो जाएगा, समझ रहे हो आप, भाई इधर होता है राइट हैंड साइड में तो माइनस का 12d होता है और लेफ्ट हैंड साइड में आगे प्लस का 12d हो गया, और ये 89 है ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है राइट हैंड साइड में, इक्वल टू में 0 कर देंगे सिंपल। लेकिन 81 तो आपने मिस कर ही दिया, इधर 81 भी तो है, ये जो इधर 81 है ये 81 भी ऐसे ही रहेगा सेम, इक्वल्स टू में 0 करेंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पर है डी स्क्वायर, इन दोनों को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, इसके साथ डी एस के साथ डी नहीं, इन दोनों कर सकते हैं, दोनों कॉन्स्टेंट टर्म है, माइनस करेंगे अगर हम यहाँ पर आ रहा है 8 और 8 में से 8 0 एंड ये 108। ओके ये 108 आपको 108 के फैक्टर करने की माइनस करने पर 12 आए, 108 किसके टेबल में आता है, वैसे 3 के टेबल में आता है, लेकिन आपको माइनस करने पर 12 लेके आना है, तो इसके कोई बड़े फैक्टर से 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 3 से तो हो रहा है, 3 3 9 1 कैरी और 3 6 18 36 3 कितने होते हैं 108, लेकिन माइनस करने पर क्या 12 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसके और फैक्टर देखो, जैसे 12 3 36 होते हैं इन टू में 3 36 हो गया लिखा हमने, 12 3 36 इंटू में 3, लेकिन 3 3 9 और 12 फैक्टर करने पर क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, नहीं, तो आप इसके फैक्टर 24 में करके देखो, 24 बन रहा है क्या इसमें, नहीं बन रहा क्या, 9 इसको और ब्रेक करें अगर हम 4 और 3 में तो ये आ रहा है 27 माइनस 4 नहीं आएगा, देन आप इसमें क्या कर लो, 2 2 9 9 2 18 अगर इसको हम 2 × 2 इंटू में 3 कर रहे हैं, 3 3 9 9 2 18 और फिर क्या बचेगा हमारा, फिर बचेगा 6 18 माइनस 6। ओके तो ये आ रहा है हमारा 18 माइनस 6। ओके तो ये हो गया हमारा 18 माइनस 6 इंटू में डी माइनस 108 इक्वल टू में 0। अब आप क्या करोगे, डी स्क्वायर प्लस 18d माइनस 6d माइनस 108 इक्वल टू में 0। अब आप इसमें से डी कॉमन ले लो, डी प्लस 18 माइनस में 6 कॉमन ले लो, यहाँ पर डी प्लस 18 इक्वल्स टू में 0 और यहाँ पर कितना होगा, ये डी प्लस 18 यहाँ पर डी माइनस 6 इक्वल्स टू में 0, डी की वैल्यू माइनस 18 एंड डी की वैल्यू ऑल्सो क्या हो सकती है, प्लस 6। ये दोनों डी की वैल्यूज हैं, ए की वैल्यू हम पहले से ही ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, क्या आ रही थी, ये वैल्यू 7, यस ए की वैल्यू 7 आ रही है, तो ए की वैल्यू 7 ले लो आप, और इसमें आपको नंबर्स ही फाइंड करने थे, बोल रहा था कि 3 नंबर्स हैं देन फाइंड द नंबर्स, ए की वैल्यू 7 इधर भी 7 रहेगी, ए की वैल्यू इसके लिए भी 7 रहेगी, तो अगर हमें ए भी फाइंड करना है और ए बी में भी हमारे पास 3 टर्म्स हैं, क्या ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, तो अगर आप इन दोनों के अकॉर्डिंग a माइनस डी कर रहे हो तो 7 माइनस ऑफ माइनस 18 कितना मिलेगा आपको, 7 प्लस 18 तो 7 प्लस 18 कितने होते हैं 25, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म होगा 25, नेक्स्ट टर्म a होगा a क्या 7, फिर इससे नेक्स्ट टर्म हमारा a प्लस डी होगा, a प्लस डी करेंगे तो 7 माइनस 18 कितना होगा हमारा, माइनस की वैल्यू होगी हमारी कितनी 11,
माइनस का 11, तो कुछ इस टाइप से इसके टर्म्स आ मिलेंगे हमें। क्या मिल रहे हैं, 25 7, 25 7। अब ये ए पी तो फॉर्म कर रहा है, ए माइनस डी, ए पी अगर फॉर्म कर रहा है तो इसकी ये टर्म्स होंगे 25 7 एंड 11 एंड सो ऑन। ठीक है, ये थ्री टर्म्स ही अगर हम फाइंड करने थे सिर्फ तो यही होंगे। ओके, ए पी फाइंड नहीं करना था, टर्म्स फाइंड करने थे। टर्म्स क्या होंगे हमारे पास, ये तीन टर्म्स होंगे। ऐसे इसके भी अगर हम टर्म्स फाइंड करें तो क्या होगा, तो फर्स्ट वैल्यू इसकी क्या होगी, ए माइनस डी, और ए माइनस डी फाइंड करोगे तो क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी, 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 1। फिर नेक्स्ट टर्म है ए, और ए की वैल्यू कितनी होगी, 7। फिर नेक्स्ट है ए प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी होगी, 7, और डी की वैल्यू कितनी होगी, 6, ये कितनी हो जाएगी, 13। थ्री टर्म्स क्या होंगे, 1 7 एंड 13 होंगे, तो 1 7 एंड 13 होंगे ये टर्म्स। तो हमारे टर्म्स ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। ओके, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। काफी लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, काफी टाइम भी लग रहा है, इसलिए अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो ना तो सिर्फ होमवर्क के लिए मत देखना, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना देखने के बाद। फॉर द जीपी दिस, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। आपको स्टार्टिंग से भी फोर्थ टर्म फाइंड करना और लास्ट से भी। सिंपल क्वेश्चन है, देखो दोनों ही फॉर्मूलाज हमें पता है क्या है। ये हमारे पास ए पी एट 1/27, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 1/27, और आर की वैल्यू आप फाइंड कर लो कितनी, ए टू अपॉन में ए वन। 27 जाएगा ऊपर और ये 1 इसके पास, यहाँ पर कितना जाएगा, 27 डिवाइड बाई 9, 9 3 27। ओके, ये आर हो गया हमारे पास एंड नाउ फाइंड द वैल्यू ए फोर। ए फोर इक्वल्स टू, इसका मीन्स क्या है, एंथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ए आर टू द पावर 3 लिख सकते हो, या तो आप इसे ए एन यूज करके आप इसको कंप्लीट लिखो, या फिर आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अगर हमें फोर्थ टर्म चाहिए तो इसको ए आर टू द पावर 3 कहेंगे हम, ए आर टू द पावर 3 कहेंगे तो ए की वैल्यू कितनी, 1/27 इंटू में आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू 3 और पावर 3। अब देखो 3 टू द पावर 3 तो 27 ही होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर क्या आ रही है, इसकी वैल्यू 1 आ रही है अगर हम फोर्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं स्टार्टिंग से। ओके, लेकिन आपको क्या करना, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। आपको इन दोनों टर्म्स को इंडिविजुअल फाइंड नहीं करना, इनका प्रोडक्ट बताना है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ किस किस का प्रोडक्ट, फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। अब एंड से अगर हम फोर्थ टर्म फाइंड करें, ठीक है, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा, ये होगा हमारा ए फोर एल अपॉन कितना, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन मीन्स 4 माइनस 1 मिल सकते हैं। लास्ट टर्म इसमें गिवन किया 81 डिवाइड बाय आर की वैल्यू गिवन किया इसमें कितनी 3, तो यहाँ पर 4 माइनस 1 कितना जाएगा 3। अभी हो रहा है 27 और ये कितना हो रहा है, 3 टू दी पावर 4 है, 3 टू दी पावर 3 है, ये कितना हो जाएगा 3, पावर माइनस हो जाएंगे तो 3 टू दी पावर 1 होगा, इसको कैंसिल कर सकते हो आप, तो ये हो गया 3। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करें हम, जो हमें फाइंड करना है, तो 1 और 3 का प्रोडक्ट क्या होगा, फाइंड क्या करना है, ए फोर स्टार्टिंग एंड ए फोर फ्रॉम लास्ट, फिर लास्ट से ए फोर है, ठीक है, एंड से दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 इंटू 3 3, इसलिए इसका आंसर क्या गिवन क्या है, 3। समझ रहे हो, ये एंड स्टम फ्रॉम एंड है। तो ये सिंपल ही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखो आप 17th क्वेश्चन बोल रहा है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द जीपी। जीपी के फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने, वेयर एन टर्म्स इज गिवन एज, एन टर्म्स आपको गिवन किया है, एन टर्म अगर आपको पहले से गिवन किया और आपसे बोल रहा है कि फर्स्ट 5 टर्म, तो इसमें सिंपल क्या करना, बस एन के प्लेस पर 1 रखोगे 1 फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 रखोगे सेकंड टर्म मिलेगा एंड सो ऑन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये हमारा, वेरी सिंपल। देखो फर्स्ट वाले में देखिए, ये इसका एन टर्म का गिवन किया, यू राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द जीपी, एन टर्म, एन टर्म क्या है, 4 इनटू ए, पॉइंट का मतलब क्या है कि 4 इनटू 3 टू द पावर n माइनस 1। अगर हम इसमें a 1 फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 4 इंटू में 3 टू द पावर 1 माइनस 1। अब 3 टू द पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0 कितना होता है 1, और ये हो जाएगा हमारा 4, इसमें 4 होगा। a 2 अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना होगा, 4 इंटू 3 टू द पावर 2 माइनस 1, यहाँ पर 3 टू द पावर 2 माइनस 1 करेंगे हम, कितना मिलेगा आपको 4 एंड 3 टू द पावर 1, ये हो जाएगा 4 3 से 12, नेक्स्ट टाइम आपको 12 मिलेगा। ऐसे आप ए 3 फाइंड कर सकते हो, ए 4 फाइंड कर सकते हो एंड सो ऑन। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन कर सकते हो आप, इसके सभी पार्ट ऐसे सेम आप इसको कर सकते हो।
कि भाई अगर इसमें हमें ए वन फाइंड करना है, समझ रहे हो आप, कि अगर हमें इसमें ए वन फाइंड करना है तो क्या करोगे, फाइव वन माइनस वन अपॉन में टू वन प्लस वन, वन माइनस वन कितना होगा फाइव टू दावर जीरो और अपॉन में कितना होगा टू टू दावर टू, ऊपर हो जाएगा वन और टू टू दावर टू कितना हो जाएगा फोर, तो ये जाएगा वन अपॉन फोर, सिंपल। तो फर्स्ट टर्म वन अपॉन फोर होगा, फिर नेक्स्ट टर्म कितना होगा देखो, अगर हम इसमें नेक्स्ट टर्म निकालें ए टू, तो ए टू क्या होगा फाइव और एन की वैल्यू टू माइनस वन अपॉन में एन की वैल्यू टू प्लस वन, फिर टू माइनस वन वन होगा एंड टू प्लस वन थ्री होगा, तो कितना हो जाएगा ये फाइव अपॉन में एट, तो ये नेक्स्ट टर्म कितना होगा फाइव अपॉन एट, फिर आप ऐसे ही फाइंड कर लोगे ए थ्री, ए थ्री भी आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो एंड सो ऑन, समझ गए। तो सिंपल ही हो गया हमारा 17th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आप 18th, कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट दीज थ्री टर्म्स आर थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ जीपी, ये जो थ्री टर्म्स हैं कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ जीपी है, तो आपको फाइंड करनी वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो एक्स को फाइंड करने के लिए सिंपल आप क्या कर सकते हो, जीपी वाला जो कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्रिकल मीन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज कर सकते हो अगर ये थ्री टर्म्स है, या फिर सिंपल आर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो कि भाई इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के रेशियो के, या फिर डायरेक्ट ज्योमेट्रिकल मीन किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस ए इंटू बी के, ए इंटू बी जो बीच वाली वैल्यू है उसको हम ज्योमेट्रिकल मीन कहते हैं, और इसको हम ए और इसको हम बी बोल सकते हैं। इसी से हमारा फॉर्मूला बना है, क्या क्या है हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला, रूट में ए इंटू बी, यही किया हमने, सोल्व कर लो आप इसको, ये आ रहा है सेवन अपॉन टू, सेवन से सेवन कैंसिल, टू से टू कैंसिल, माइनस माइनस प्लस वन और प्लस वन का वन, इसलिए एक्स की वैल्यू सिंपल आ गई हमारी वन, इसमें इतना ज्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्ट कर देना है। लेकिन क्या सिर्फ प्लस वन ही होगी वैल्यू, माइनस वन नहीं होगी, हो सकती है देखो माइनस वन भी हो सकती है, आप प्लस वन और माइनस वन दोनों ही ले सकते हो, क्योंकि रूट से वैल्यू जब बार आती है प्लस माइनस वन, तो इसलिए इसके दो आंसर है प्लस माइनस वन। सेम एज इट इज आप सेकंड वाला पार्ट कर सकते हो इसका, सेकंड वाला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट दीज आर द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द जीपी, ये भी फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं अगर जीपी के, इसमें भी आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो वही है कि भाई आप ज्योमेट्रिकल मीन वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, ज्योमेट्रिकल मीन या तो आप इसका रूट कर लो, या फिर इसमें डायरेक्ट ज्योमेट्रिकल मीन स्क्वायर भी बोल सकते हो, क्योंकि ज्योमेट्रिकल मीन का स्क्वायर किसके इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ ए इनटू बी, या फिर इसमें कॉन्सेप्ट लगा सकते हो ए टू अपॉन ए वन आर वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ तो आर हम निकाल रहे हैं किससे, ए टू अपॉन ए वन से, यहाँ पर जो आर निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं ए थ्री अपॉन ए टू से, जो भी किया था हमने यही यूज, तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर डायरेक्ट देखो ये भी वही चीज है, ये भी आपको यहाँ से भी वही मिलेगा कि ज्योमेट्रिकल मीन का स्क्वायर किसके इक्वल प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी मीन्स एक्स इंटू में कितना एक्स प्लस नाइन। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सिक्स एक्स इधर माइनस कर देंगे नाइन, सिक्स एक्स माइनस करोगे कितना आएगा थ्री एक्स, और यहाँ पर थ्री थ्री सर नाइन, ओके एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी नाइन हो जाएगी, सिंपल एक्स की वैल्यू नाइन हो गई हमारी सिंपल। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, एटीन का सेकेंड पार्ट भी हमारा सिंपल हो गया, सिंपल थ्री आंसर आ रहा है। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19, इसमें बोल रहा है फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी, आपको फोर नंबर्स फाइंड करने हैं जीपी के, जीपी फॉर्म कर रहे हैं, इन विच द थर्ड टर्म, जिसमें कि थर्ड टर्म हमारा कितना है, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। आप देखो इसमें ये देखो किस टाइप से चेंज कर रहा है इसमें लैंग्वेज को, फोर टर्म्स है जीपी में, इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, जो थर्ड टर्म है इसका वो ग्रेटर देन है फर्स्ट टर्म से बाय 9 एंड सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। देखो अगर आप फोर नंबर्स ले रहे हो जीपी में, तो आप इस टाइप से भी डेट कर सकते हो, ए आर, ए आर स्क्वायर छोड़कर ए आर क्यूब लेंगे, ऐसे यहाँ पर ए अपॉन आर और ए अपॉन आर स्क्वायर छोड़कर ए अपॉन आर क्यूब, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं देखो इक्विवेलेंट टर्म्स लेते हैं, यहाँ भी इक्विवेलेंट टर्म्स हैं, इसमें भी इक्विवेलेंट टर्म्स हैं, क्योंकि अगर हम ए ए आर ए आर स्क्वायर इस टाइप से ले रहे हैं टर्म, और यहाँ पर इधर कर रहे हैं हम ए अपॉन आर, ए अपॉन आर स्क्वायर ले रहे हैं और ए अपॉन आर क्यूब है, इस टाइप से अगर हम देख रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि इसमें हमें फोर टर्म्स लेने हैं, और फोर टर्म्स में आप क्या लोगे भाई, फोर टर्म्स में अगर आपने ए लिया है, इससे आगे एक टर्म ये ले लिया, एक टर्म ये ले लिया, और अगर आप एक टर्म ये ले रहे हो,
सिर्फ ये फोर टर्म्स ले रहे हो, ले सकते हो, तो इससे हमें बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें टर्म्स आर वाली दो वैल्यूज यहाँ पर आर वाली डिवाइड में एक ही होती है, तो हम क्या करते हैं एक एक टर्म्स स्किप कर देते हैं। जैसे हम क्या क्या स्किप कर रहे हैं, इसको स्किप कर रहे हैं, इसको स्किप कर रहे हैं और इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो टर्म्स बच रहे हैं इस टाइप से टर्म्स इसमें लैड कर रहे हैं। अब ये टर्म्स लैड करने से देखो बेनिफिट क्या होगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, कैलकुलेशन ईजी होगी हमारी। कैसे? अगर हमने फोर टर्म्स लैड किया है तो अब हमसे कह रहा है कि इन विच द थर्ड टर्म, अब थर्ड टर्म हमारे अकॉर्डिंग ही है, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन, ये जो थर्ड टर्म है ये क्या है, इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। ये फर्स्ट टर्म से कितना ग्रेटर है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास ए आर, ए अपॉन में आर टू द पावर 3। ये जो हमारा थर्ड टर्म है ये फर्स्ट टर्म से कितना ग्रेटर है, 9 ग्रेटर है। ओके, तो 9 ग्रेटर है, इसका मींस ये 9 बड़ा है, तो अगर इसमें माइनस भी करेंगे तो फिर भी हमें 9 मिलेंगे, समझ रहे हो आप। ये जो हमने माइनस करके ये वाली जो वैल्यू रखी इक्वल्स टू 9 है, इसका मीनिंग यही तो है कि अगर ये 9 ग्रेटर है, ये वाली वैल्यू 9 ग्रेटर है, तो अगर हम इसमें ये वाली वैल्यू माइनस भी कर देंगे फिर भी हमें 9 बचेगा, 9 मिलेगा। ओके, या तो ऐसे समझ सकते हैं, फिर ये समझ सकते हैं कि भाई ये वाला जो टर्म है वो कितना बड़ा है, कि अगर हम इसके फर्स्ट टर्म में 9 और ऐड कर देते तब इसके इक्वल आएगा ये थर्ड टर्म, ऐसे समझ सकते हो। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, क्या इसमें सिंप्लीफाई करने में कुछ बेनिफिट हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि आर टू द पावर 3 मिल रही है। तो फिर अगर हम इसमें देखें नेक्स्ट वाली कंडीशन की, सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म, और सेकंड टर्म हमारा ए अपॉन आर किससे ग्रेटर है, सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। फोर्थ टर्म हमारे पास ये कितना ग्रेटर देन है, 18। भाई अगर हम ऐसे इसको सॉल्व करें इन टर्म्स को लैड करके, क्या ये इजी हो रहा है क्वेश्चन? ऐसे तो टफ होता जा रहा है आउट, क्यों? क्योंकि अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, आर एल सी के लिए लेते हैं, आर टू द पावर 4 मिल रहा है, आर टू द पावर 4 मिल रहा है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, आर डिवाइड में आर मिल रहा है, इस टाइप से वैल्यू आ रही है हमारी। कर सकते हैं हम इसे ऐसे भी, कैसे कि भी अगर आप एलसीएम लोगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहे हो, इसको इक्वेशन सेकंड, लेकिन अगर हम सिंपल टर्म सेलेक्ट कर लेते ए या ए आर टू द पावर 1, ए आर टू द पावर 2 एंड ए आर टू द पावर 3, तब इसमें बेनिफिट होता क्या कि भाई थर्ड टर्म माइनस कर रहे हो आप फर्स्ट टर्म से, तो फर्स्ट टर्म से माइनस करते ए को बनाया था 1 - r² होता, और यहाँ पर क्या था हमारा सेकंड टर्म, सेकंड टर्म है ए आर, और यहाँ पर कितना था ए आर क्यूब फोर्थ टर्म से, है ना। सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म, वही है कि भाई आपको सब्स्टिट्यूशन तो यूज करना ही होता दोनों ही कंडीशंस में, आप इससे भी कर सकते हो, सिंपल हो जाएगा। कैसे? अगर यहाँ से करोगे इसको तो भी एलसीएम ले रहे हैं अगर हम, तो आर यहाँ पर ए माइनस ए आर टू द पावर इतना आ रहा है 4 इक्वल्स टू में 18 ये आ रहा है। ऐसे आप इसको भी सिंप्लीफाई कर रहे हो अगर, तो क्या मिलेगा यहाँ पर ए आर टू द पावर 4 माइनस में ए अपॉन में आर टू द पावर 3 इक्वल्स टू में 9 ये मिलेगा, समझ रहे हो आप, ये मिलेगा हमें। लेकिन इसका सब्सटीट्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन अगर हम कॉमन ले लें तो इसमें पुट कर सकते हैं वैल्यू को डायरेक्ट, ये 9 है, पुट कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बस, ये है बात इसमें सारी। कैसे? देखो अगर हम इसी को सिंप्लीफाई कर लें, इसमें से हम क्या लें माइनस साइन कॉमन ले लें, और ये हो जाएगा ए माइनस ए आर टू पावर 4 जैसे नीचे बन रही होगी डिवाइड में आर क्यूब, आर क्यूब में से आर स्क्वायर अलग हटा दो आप और आर अलग ले लो, समझ रहे हो आप। तो ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये सेम सेकंड इक्वेशन के इक्वल आ गई, आप ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हो सेकंड इक्वेशन के प्लेस पर, मींस फर्स्ट इक्वेशन में, हमने फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है, माइनस 1 / r² बच रहा है, और इसके प्लेस पर हमने क्या कर दिया 18 पुट कर दिया, ये जो वैल्यू हमारी 18 के इक्वल 18 पुट किया इक्वल्स टू 9। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे -1 / r² 18 डिवाइड में आएगा हमारा तो मिलेगा आपको 2। ओके, -1 / r² इक्वल्स टू कितना मिलेगा 9 × 2 = 18। अब आप क्या करोगे यहाँ पर -1 / r² और यहाँ पर 1 / 2 होल² कह सकते हो आप, तो यहाँ पर -1 / r की वैल्यू 1/2 है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, r की वैल्यू -2 हो गई, r की वैल्यू -2 होगी तो आप a की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, लेकिन यहाँ से थोड़ा टफ हो गया है। a की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, r की वैल्यू पुट कर दो कितनी, r की वैल्यू बेस सेम है, ठीक है आर की वैल्यू कर दो -2 फुट, किसमें फर्स्ट इक्वेशन में कर लो या सेकंड में, तो अगर हम सेकंड में करते हैं आर की वैल्यू 2 फुट, 2 है -2 है -2,
ए माइनस ए आर की वैल्यू माइनस टू, टू दी पावर फोर अपन आर की वैल्यू माइनस टू इक्वल्स टू में 18। सोल्व करेंगे कितना आएगा, ए माइनस ए यहाँ पर टू टू दी पावर फोर कितना होता है 16, टू की तरह मल्टीप्लाई कर देंगे 18 टू 36। अब आप 16 ईयर माइनस ए माइनस का 15 ए मिलेगा आपको इक्वल्स टू माइनस 36। ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस 36 अपॉन 15। और बच्चे हो गए होंगे इस क्वेश्चन को देखकर परेशान, किसे कैंसिल हो रहा है हमारा, जैसे 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 वन जाते हैं 3 टू 6 3 5 जा 3 5 जा 15 होते हैं ओके। माइनस 12 अपॉन 5, ए की वैल्यू माइनस 12 अपॉन 5 आ रही है, आर की वैल्यू माइनस 2 आ रही है। देन टर्म्स क्या होंगे हमारे पास, हमने टर्म्स लेट किए थे, जीपी था ना हमारे पास ही, अगर ये जीपी था हमारे पास तो बस इसी के अकॉर्डिंग हमारे टर्म्स क्या है, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर एंड ए आर और ए आर क्यूब, ये है ना हमारे पास टर्म। ये वाली वैल्यू कितनी जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास माइनस 12 अपॉन 5, ए की वैल्यू माइनस 12 अपॉन 5 डिवाइड बाय आर की वैल्यू माइनस 2 होल क्यूब ओके। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस 12 अपॉन 5 और ये इधर आएगा हमारा 2 टू द पावर 3 हो जाएगा माइनस 8। माइनस से माइनस साइन कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल कर लो, 4 3 से 12, 4 2 जाए 8, इसी वैल्यू आ रही है 3 अपॉन में 10। 3 अपॉन 10 वैल्यू दे रहा है आपको, 4 टर्म्स फाइंड करने थे इसके, तो 4 टर्म्स इसमें क्या आ रहे हैं, क्या इसका एक टर्म 3 अपॉन 10 आ सकता है, ये तो बहुत ही डिफरेंट आ रही है वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 19 है, यस क्वेश्चन नंबर 19 है ओके, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ रहा है इसमें। अब अगर हम इसमें देखें कि आंसर में 3 अपॉन 10 आ रहा है, आंसर में तो नहीं आ रहा, आंसर में तो सिर्फ ओनली 3 आ रहा है, तो इसमें कुछ मिस्टेक किए गए हमने, अगर सिर्फ ओनली 3 आ रहा है आंसर तो यहाँ क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करने में कहीं पर मिस्टेक की हमने, आर की वैल्यू माइनस टू पुट कर दी है, आर की वैल्यू माइनस टू। देखो अगर इस टाइप से क्वेश्चन में मिस्टेक आ रही है, नहीं हो रहा है, तो हम इसका जो सेकंड वाला मेथड है उसको अप्लाई करते हैं इसमें, मीन्स कि इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करके देखते हैं। देखो अगर हम इसमें टर्म्स इस टाइप से लेट करते हैं, ए ए आर टू द पावर 1, ए आर टू द पावर 2 एंड ए आर टू द पावर 3, तब क्या होता है इसमें, इसमें बोल रहा है कि इन विच द थर्ड टर्म इज, जिसका थर्ड टर्म है वो ग्रेटर देन है इसके फर्स्ट टर्म से कितना, बाय 9। इसमें अगर हम ए कॉमन लेते तो आर स्क्वायर माइनस 1 सकते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। एंड ऑल्सो इसमें बोल रहा है सेकेंड टर्म जिसका सेकेंड टर्म है इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म, इसके फोर्थ टर्म से कितना ग्रेटर है, 18 ग्रेटर है ओके। इसमें भी आप कॉमन ले सकते हो ए और आर, बचेगा क्या यहाँ पर 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18, ये है। अब देखो आप ये जो आर स्क्वायर माइनस 1 है ना, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं हम सेकेंड इक्वेशन में आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू में 9 अपॉन ए, ये बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखो अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये आर स्क्वायर माइनस 1 ही मिलेगा आपको, इसमें पुट कर लेते हैं हम माइनस ए आर, और यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस 1 के प्लेस पर 9 अपॉन ए। इस वाले मेथड से इस टर्म इस टाइप से टर्म सेलेक्ट करके यहाँ पर इजी हो रहा है, लेकिन जब वो सम बोलता है कि भी इन टर्म्स का सम, फोर टर्म्स का सम जीपी में उनका प्रोडक्ट, तब ये इजी हो जाता है हमारा। लेकिन माइनस आर इक्वल्स टू कितना होगा, 18 अपॉन में 9, आर की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 2, समझ रहे हो, माइनस साइन इधर आ गया, आर की वैल्यू 2 आ रही है, तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ए की वैल्यू के लिए आप यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट भी कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या, ए आर की वैल्यू है, आर स्क्वायर माइनस 1 है और इक्वल्स टू में 9, इसमें पुट कर देंगे अगर हम आर के प्लेस में माइनस 2 और इसका स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू में 9, यहाँ पर ये ए, देखो समझ रहे हो ना आप, ये हो गया यहाँ पर माइनस 2 टू द पावर 2 कितना होता है 4, प्लस का 4 होगा क्योंकि पावर इवन है, पर 3 4 माइनस 1 3, और ये जो 3 है डिवाइड में आएगा इधर 9 के साथ, तो कितना जाएगा ए की वैल्यू 3, समझ रहे हो आप, ए की वैल्यू 3 आर की वैल्यू 2। देन आपके पास टर्म्स कितने हो जाएंगे, देखो जो 4 टर्म्स आपको फाइंड करने थे, तो आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना था ए, सेकंड टर्म ए आर, ए और आर की मल्टीप्लाई करोगे आप माइनस 6 आ रहा है, ए और आर की मल्टीप्लाई करोगे माइनस 6 आ रहा है, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर करेंगे अगर हम
कितना आ रहा है, की वैल्यू 3, आर की वैल्यू माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 12। फिर अगेन हम इसमें क्या करेंगे, ए आर क्यूब करेंगे, ए आर क्यूब के लिए क्या करेंगे, ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू कितनी माइनस 2, और इसका क्या कर देंगे क्यूब, 8 8 3 24 आ रहा है, लेकिन माइनस का प्लस का ही होगा माइनस, अभी की ये माइनस का 8 आएगा क्योंकि माइनस के 2 टू दी पावर 3 ओड पावर है। ओके तो ये टर्म्स हो गए 3 माइनस 6 12 माइनस 24, यही आंसर है इसका। आप इस टाइप से करना है इसको, वैसे मत करना। तो देखो हमें पता कैसे चलेगा अभी इस टाइप से नहीं कर सकते हैं। तो एक तो हमने एक हिंट बताया आपको कि जब वो टर्म्स का सम बोले और प्रोडक्ट बोले तब आपको करना है जीपी में उस टाइप से, लेकिन यहाँ पर ये आपसे बोल रहा था कि इससे ग्रेटर देना है, इतना ग्रेटर देना, तो आप इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट से ही हो रहा है अच्छे से, उस मेथड से टफ हो रहा है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 20th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इफ 1xyz16 आर इन जीपी, मीन्स आपको इन सभी की वैल्यू फाइंड करनी है कि 1xyz एंड ये 16, ये सभी जीपी में, आपको क्या बताना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा। तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करो, लेकिन करेंगे कैसे, आपको पता है एक्स अपॉन वन का रेशियो, मैं इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल होगा, और इन दोनों का रेशियो जेड और वाई का रेशियो वाई अपॉन 16 होगा। अब हम इसमें फाइंड कैसे करें, वैल्यू सभी तो अननोन सारे हैं इसमें। देखो अगर हम इन दोनों में करेंगे, अगर हम इन दोनों में करें तो हमें एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई मिल रहा है, और अगर हम इन दोनों में रिलेशन करें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड मिल रहा है, और अगर हम इन दोनों में रिलेशन करें तो वाई स्क्वायर ऑल्सो इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, वाई स्क्वायर ऑल्सो इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हमें, सॉरी ये हमने गलत रख दिया, यहाँ पर जेड अपॉन वाई होगा और यहाँ पर 16 अपॉन जेड होगा, ये होगा ना। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है अगर हम इन दोनों के इक्वल रख रहे हैं तो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू में 16y मिल रहा है। अब इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है क्योंकि आप इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मिल रहा है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ऐसा भी है हमारे पास कुछ, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर हो गया हमारा एक्स अपॉन वन, एक्स स्क्वायर की जगह वन वाई, ओके। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, इसमें वैसे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, उसकी हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो, या फिर कोई दूसरा मेथड हम इसमें यूज करें। देखो काफी टफ क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, क्योंकि इसमें आपको बच्चों को काफी ज्यादा सोचना पड़ेगा कि हम इसकी वैल्यूज कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अननोन्स काफी ज्यादा हैं इसमें, और अगर हम 16 अपॉन जेड को इनको आपस में और भी वैल्यूज के साथ रिलेट किया जा सकता है, जैसे एक्स अपॉन वन को हम 16 अपॉन जेड के इक्वल रखें तो एक्स और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स और जेड की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 16 के इक्वल होगी, एक्स जेड और भी है हमारे पास, ये रहा एक्स और जेड, समझ रहे हो आप। अभी अगर हमने फर्स्ट और लास्ट वाले को रखा हो, एक्स और जेड की वैल्यू 16 आ गई, तो यहाँ पर भी आप 16 रख देते हो, यहाँ पर भी आप 16 रख देते हो, तो वाई वाई की वैल्यू कितनी जाएगी, रूट 16 और वाई की वैल्यू प्लस माइनस 4 ये हो जाएगी, और वाई की वैल्यू प्लस माइनस 4, तो अगर आप वाई की वैल्यू 4 लोगे पॉजिटिव वाली, तो यहाँ पर रखते हो आप प्लस 4, नेगेटिव 4 ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर फिर रूट में हम रख नहीं सकते थे, तो यहाँ पर रूट में आ जाएगी प्लस 4, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2, ओके एक्स की वैल्यू 2। अब हमें एक्स मिल गया वाई मिल गया, जेड के लिए आप क्या करोगे, वाई की वैल्यू यहाँ पर 4 रख लो, नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते आप क्योंकि रूट में आएगी वैल्यू तो वो सोल्व नहीं हो पाएगी, 16 और 4 या तो 16 4 64 कर लो, 8 आएगा बार ऐसे समझ लो आप, या फिर इसका 4 इसका 2 8 आएगा बार, समझ गए। और आपको इन सभी का क्या करना है, सम करना है, इन सभी का सम कितना आ रहा है, 8 और 4 12 और 2 14, ठीक है करेक्ट है, सम 14 आ गया, समझ गए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया, 14 हो गया, क्योंकि एक्स की वैल्यू 2, अभी प्लस माइनस जो 4 है ना इसमें प्लस वाली ही वैल्यू लेंगे क्योंकि माइनस वाली वैल्यू नहीं ले पा रहे हैं, माइनस वाली वैल्यू लेने से एक्स और वाई की जेड की वैल्यू नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर माइनस 4 ले लेते हैं तो रूट में माइनस वाली वैल्यू डिफाइन नहीं होती, इमेजिनरी नंबर होता है, समझ गए। ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड 14 होगा, इस टाइप से करना। तो हमने क्या किया, पहले रिलेशन बनाकर देखा, फिर हमने देखा कि भी अगर हम फर्स्ट और लास्ट वाले को रिलेट कर रहे हैं तो एक्स और जेड की वैल्यू मिल रही है, एक्स और जेड हमारा 16 है, तो हमने यहाँ पर 16 रख लिया, एक्स और जेड 16 है, 16 रखा तो वाई की वैल्यू मिल गई, वाई की वैल्यू यहाँ पुट की तो एक्स की वैल्यू मिल गई, फिर आपने वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट की तो जेड की मिल गई, सिंपल ऐसे कर सकते हो। वैल्यूज बतानी है इसमें, और इसके और भी डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, तो हमने इसको ऐसे किया सिंपल, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20।
तो अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब करना हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।